हेलो एवरीवन आई एम योर ट्यूटर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ज्योग्राफी मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि हम लोग अब ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी के कुछ बेसिक्स करेंगे पहले स्टार्ट देन उसके बाद हम एडवांस ज्योग्राफी है वो स्टार्ट करेंगे क्योंकि आपके एक तो पंजाब सिविल सर्विस का नोटिफिकेशन आ चुका है आप लोग उसका फॉर्म जो है वो फिल कर दीजिए एंड ज्योग्राफी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है वो मैं आपको साथ साथ में बता दूंगी आज एंड वेरी इंपॉर्टेंट नाउ वट आर द को लर्निंग आउटकम्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो द लर्नर आई मीन टू से यू पीपल विल बी एबल टू नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट द बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी सो आप लोगों को थोड़ा सा ये पता लग जाएगा कि ज्योग्राफी के बेसिक्स हैं क्या और हमने करना क्या है और किस वे से किस अप्रोच के साथ ज्योग्रफी को डील करना है देन नो अबाउट द रिसोर्स अंडरस्टैंड वेरियस ऑफ ज्योग्राफी सो लास्ट में आपको कुछ रिसोर्स दूंगी कुछ वेबलिंग हैं कुछ बुक्स के बारे में जिससे आपको हेल्प हो जाएगा कि आप की आप लोग रीडिंग करोगे ज्योग्राफी की डेट विल हेल्प यू टू लर्न इजिली राइट बट इट्स नॉट लाइक कि मैंने रिसोर्सेज दे दिए आप लोग पढ़ोगे नहीं आप लोग भी रीड करोगे बट ऑब्वियसली आप मेरे साथ यहाँ पे तो ट्यून रहोगे ही मैं आपको कॉन्सेप्ट जो है वो सारे क्लियर करवा दूंगी नाउ हु इज द फादर ऑफ ज्योग्राफी एज वी ऑल नो हम लोगों ने बचपन में क्लासेज uh, में पढ़ा होता है ज्योग्राफी uh, के बारे में फादर ऑफ द जोग्राफी द एशियन ग्रीक स्कॉलर ही इज एरो राइट नाउ ज्योग्राफी जो है बेसिकली इट इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट ये बहुत ब्रॉडर सब्जेक्ट है कॉम्प्रीहेंसिव सब्जेक्ट है ये कोई छोटा सा सब्जेक्ट नहीं है मल्टी डायमेंशनल है मल्टी डिसिप्लिनरी है ये एक बेसिकली ज्योग्राफी का जो नेचर है ना वो थोड़ा साइंटिफिक इन नेचर है बेसिकली साइंटिफिक ही है बिकॉज इट्स स्टडी अबाउट द नेचर ऑल्सो इन्वायरमेंट सो एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस और ए, ए, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में चाहे वो सिविल का एग्जाम हो चाहे वो आपका पी uh, टेट uh, का एग्जाम हो सी का एग्जाम हो सोशल साइंसिस टीचर्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को पता होना चाहिए ज्योग्राफी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल

Now, uh, बहुत इंपॉर्टेंट है हमने इसको प्रिपेयर कैसे करना है uh, क्योंकि ज्योग्राफी कोई छोटा सा डिसिप्लिन तो है नहीं इट इज अ वेरी डिसिप्लिन इट्स कॉम्प्रीहेंसिव सो इट हैज डिफरेंट डायमेंशन इसके अंदर सब ब्रांचेस हैं तो एक दिन में दो दिन में एक महीने में ज्योग्राफी वी कैन स्टडी वी हैव टू पुट फोकस

Uh, with reference to geography of the india and the world because Uh, देखो अगर तो हम लोग सिविल यूपीएससी uh, में अपेयर होना है आप लोगों ने तो डेफिनेटली आप लोगों को ज्योग्राफी वर्ल्ड की भी चाहिए होगी और इंडिया की भी पता होनी चाहिए uh, अगर आपने किसी स्टेट का सिविल देना है तो उसमें आपको स्टेट की ज्योग्रफी uh, के बारे में पता होना चाहिए लाइक like, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे पंजाब सिविल सर्विसेज में अपेयर होंगे उसके लिए आप लोगों को uh, सबको पंजाब की ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए चाहे वो फिजिकल ज्योग्राफी है चाहे वो ह्यूमन ज्योग्रफी है तो हम लोग जितनी भी ज्योग्राफी को पढ़ेंगे उसकी उसमें दो मेन चीजों का ध्यान रखना है कि हमने इंडिया की ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी जो है उसको कवर करना है राइट Now, तीन जो अप्रोच चीज है और so, आप लोगों में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका अब ज्योग्राफी के साथ इतना कनेक्शन नहीं है बिकॉज आप हो सकता है डिफरेंट डिग्रीज को भी परस्यू कर रहे हो राइट सो इट इज इंपॉर्टेंट अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में अभी नहीं पता या आप लोगों के कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो इट्स नेसेसरी हम लोग बेसिक्स से स्टार्ट करें और फाउंडेशन में फाउंडेशन से स्टार्ट करें और अगर जितने जने भी यहाँ पे हैं जिन्होंने बेसिक स्टार्ट करना है या फाउंडेशन स्टार्ट करना है वो नीचे कमेंट uh, बॉक्स में मुझे लिख के बता देना कि आप लोगों ने बेसिक uh, पढ़ी हुई है कि नहीं पढ़ी हुई अगर तो आप लोगों की बेसिक्स क्लियर है बेसिक्स सो आप लोग कमेंट सेक्शन so, में मुझे जरूर बता देना और कुछ स्टूडेंट है जिनके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी पर्सनली कर सकते हो नेक्स्ट होता है एडवांस लेवल सो एडवांस जब, जब हम लोग को बेसिक पता हो जाएगा कि बेसिकली रॉक्स क्या हैं, डेल्टास क्या हैं, राइट है रोटेशन क्या है एडवांस right, uh, the, right? के साथ साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन में बिकॉज ये नहीं है कि डायरेक्टली क्वेश्चन ही आ जाएंगे बुक्स में से इट इज इंपॉर्टेंट कि हमें ज्योग्राफी इन द न्यूज में जो अब करंट चल रहा है न्यूज चल रही है उसमें करंट इवेंट्स में ज्योग्राफी का क्या पोर्शन कवर हो रहा है लाइक like कोई साइक्लोन है किसी तरह का अर्थक्वेक है या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन लाइक कोरोना कोविड नाइनटीन की डिटेल्स है वर्ल्डो मीटर पे आप लोग देख ही रहे हो हर रोज पॉपुलेशन के अपडेट देखते हो यो तो ये भी करंट इवेंट्स के अंदर कवर होता है तो जो एग्जाम का फोकस होता है बेटे वो बेसिकली करंट इवेंट्स के ऊपर भी होता है तो तीन अप्रोचेस होगी हम बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं एडवांस एंड इन द न्यूज और करंट इवेंट्स नाउ मीनिंग इन अ वेरी सिंपल टर्म ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो बेसिकली साइंसेस बैकग्राउंड के हैं या जिन्होंने अब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो किसी भी सब्जेक्ट में अब उनका जो कनेक्शन है वो थोड़ा सा टूट चुका है ज्योग्राफी के साथ तो इसलिए ये वीडियो थोड़ी सी मैंने सिंपलीफाइड की है आगे जाके हम लोग इसको और ज्यादा कोशिश करूंगी कि सिंपलीफाइड ही हो आप लोगों को हेल्प हो जाए कंसेप्ट को लर्न करने में सो मीनिंग ऑफ जोग्राफी सिंपल टर्म्स में इट इज अ स्टडी ऑफ अर्थ राइट अर्थ बिकॉज जहां पे हम लोग रह रहे हैं राइट right? उसकी स्टडी है इसमें अब दो चीजें ध्यान में रखनी है अर्थ में फिजिकल फीचर और ह्यूमन बींग्स सो जहां अर्थ बेसिकली इट्स लाइक अ स्टेज एक स्टेज है राइट एंड ह्यूमन बींग लाइक वी पीपल हम लोग सारे क्या है, पे? है a, a term, तो हम लोग एक्टर्स हैं और ये सारी पृथ्वी जो है वो क्या है, एक है. तो ये जो ज्योग्राफी का कंसेप्ट है या टर्म है ये कहाँ से आया है ग्रीक लैंग्वेज से जियो एंड ग्राफेज एंड जियो का मतलब है यहाँ पे अर्थ एंड ग्राफर्स मतलब डिस्क्रिप्शन सो इट मीन इन अलम ज्योग्राफी क्या हो गया इट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ राइट नाउ द टाइप्स ऑफ ज्योग्राफी अगेन हम लोगों ने टाइप्स देखनी है ज्योग्राफी की लाइक इट्स इसकी बहुत सारी डायमेंशन हैं। uh, ये स्टडी बहुत वास्ट है ज्योग्राफी की और साइंटिफिक भी है अब टाइप्स विद रिस्पेक्ट टू अगेन इंडिया एंड वर्ल्ड जोग्राफी सो इसके टाइप दो बेसिक टाइप्स हैं फिजिकल और नेचुरल और ह्यूमन और मैनमेड हम सिंपल टर्म में कहना हो एक जोग्राफी होती है फिजिकल ज्योग्राफी जो फिजिकल इन्वायरमेंट सराउंडिंग के बारे में डिस्कस करती है या हमें उसके बारे में बताती है दूसरी होती है ह्यूमन ज्योग्रफी राइट एंड ह्यूमन ज्योग्राफी लाइक इट्स अ पीपल इन द इनवायरमेंट नेक्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर फर्दर ब्रांचेज हैं ये सारी अभी मैं इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज अब आगे आगे जो ब्रांचेज है ये सारी एडवांस लेवल की होती हैं तो हम लोग पहले बेसिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे देन हम उसके बाद एडवांस लेवल पे आएंगे सो फिजिकल ज्योग्राफी में क्या है बायो जियोग्राफी है क्लाइमेटोलॉजी है कोस्टल ज्योग्राफी है एस्ट्रो जोग्राफी एनवायरमेंटल है जियो है ग्लेशियोलॉजी हाइड्रोलॉजी लैंडस्केप इकोलॉजी हम धीरे धीरे इनको पढ़ेंगे अभी देख के डरो मत ठीक है हो जाएगा नो प्रॉब्लम बट मेहनत करनी पड़ेगी और मेरे साथ आपको वीडियोस को रोज देखना पड़ेगा शेड्यूल टाइमिंग्स पे तो ये लाइथ लिथोलॉजी मेट्रोलॉजी ज्योग्राफी वाटर रिसोर्सेज ज्योग्राफी सो आप देख सकते हो कि ज्योग्राफी एक सिंपल एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है ये इसमें फर्दर बहुत सारी ब्रांचेस जो है वो पढ़नी पड़ती हैं ना उधर ह्यूमन ज्योग्राफी आपको पता ही है कि ह्यूमन जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उसमें कल्चर भी है हम एक कल्चर में रहते हैं उसमें इकोनॉमिक इकोनमी भी है हेल्थ की भी कंसीडरेशन होती है हिस्ट्री भी है हम लोगों की पोलिटिकल सेटअप है पॉपुलेशन है रूरल और अर्बन सारे एरियाज भी है लोकेशन भी है सोशल इन्वायरमेंट भी है ट्रांसपोर्टेशन एंड एवरी थिंग इज देयर सो ह्यूमन जोग्राफी के अंदर इन चीजों का हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं कल्चरल इकनमिक हेल्थ हिस्टोरिकल पोलिटिकल पॉपुलेशन रूरल सोशल ट्रांसपोर्ट एंड अर्बन एंड ज्यादा फोकस जो है इट्स नॉट की फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर ही फोकस होगा ह्यूमन के ऊपर इट्स लाइक अ मिक्सचर राइट कुछ एग्जाम जो है उसपे उनमें फिजिकल में ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन फोकस होता है और कुछ कईयों कुछ, uh, में मिक्स तरह का होता है Then another view. अब एक तो हो गया ज्योग्राफी फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी राइट दूसरा हो गया कि जब हमने जोग्राफी को पढ़ना है सिस्टमैटिक ब्रांच एंड अ रीजनल ब्रांच बहुत सिंपल है सिस्टमैटिक ब्रांच कहती है कि हमने जब ज्योग्रफी को पढ़ना है होल हमने होल को पढ़ना है सबको इकट्ठा लेके पढ़ना है जो भी कॉन्सेप्ट को पढ़ना है वो एज अ होल राइट बट रीजनल ब्रांच कहती है कि हमने जब भी ज्योग्राफी को पढ़ना है हमको एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में पढ़ना है लाइक like, सॉइल पढ़नी है तो कोई रीजन की पढ़नी है बट सिस्टमेटिक ब्रांच में वो सॉइल्स टोटल सारी सॉइल्स के बारे में पता होना चाहिए कि इस लैंड के ऊपर कौन कौन सी सॉइल्स हैं टाइप्स क्या है, उसकी रेड है ब्लैक है ब्राउन है राइट right? ज्योग्राफी एज अ होल जो है वो स्टडी करनी है रीजनल ब्रांच जो है वो कार्ल रिटर ने रीजन वाइज राइट एंड बोथ व जर्मन ज्योग्राफर सो ये दोनों कौन थे जर्मन ज्योग्राफर्स थे ज्योग्राफर क्या होता है पता है आपको जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना मैथमेटिशियंस होते हैं है ना फिलोसफर्स होते हैं सोशोलॉजिस्ट होते हैं ऐसे ज्योग्राफर्स भी होते हैं ज्योग्राफर्स एक तरह से साइंटिस्ट ही हैं बिकॉज एरिया ऑफ स्टडी है ज्योग्राफी के बारे में फिजिकल ह्यूमन जोग्राफी के बारे में पढ़ना है सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ या रीजनल अप्रोच के साथ और वो स्टडी किसको करते हैं अर्थ के नेचुरल एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सोसाइटी को सो यू कैन हैव अ लुक ओवर इट दैट वी हैव अ सिस्टमैटिक ब्रांच एंड अ रीजनल ब्रांच नॉट ओन सम राइट right, बिकॉज अभी जो मैंने ये वीडियो बनाई है ये सिर्फ आप लोगों को एक बेस देने के लिए बनाया कि हमने आगे आगे क्या पढ़ना है श्योरली अगली वीडियोस में हम लोग बेसिस बेसिक से स्टार्ट कर देंगे सम अप अगर हमने समअप करना हो तो ज्योग्राफी क्या है इट इज द स्टडी ऑफ इट्स प्लेस स्पेस और एनवायरमेंट को स्टडी करना है अर्थ पे लैंड स्केप्स हैं पीपल हैं प्लेसेज हैं फॉरेस्ट एनवायरमेंट बहुत सारे रिसोर्सेज हैं क्लाइमेट है एटमोस्फेयर है सॉयल स्ट्रीम्स है लैंड फॉर्म है ओशनस है राइट द नेटवर्क ऑफ पीपल है डिफरेंट कल्चर ऑन द अर्थ सर्फेस है सो uh, so, इन सब को हम लोग स्टडी करेंगे ज्योग्राफी के अंदर सो so, ज्योग्राफर जो है वो क्या एक्सप्लोर करते हैं दे हैव टू एक्सप्लोर बोथ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ सरफेस ह्यूमन सोसाइटी सो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जोग्राफी के अंदर हमने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स भी लेने हैं अपने अर्थ के और साथ में साथ उसको जो यूज कर रहे हैं राइट जो यूटिलाइज कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग पीपल उनको भी स्टडी करना है बट अब इसको स्टडी कैसे करना है

होता है भूल जाते हैं तो आप लोगों ने एनसीआर को यूज करना है पर इसमें एक चीज ध्यान रखना एनसीआरटी को आप लोगों ने अगर इजीली लेना है तो वो कहां से ले सकते हो आप लोग आप लोग डाउनलोड करोगे ई पाठशाला राइट ये कहाँ से कर सकते हो ये एनसीआरटी की वेबसाइट में ही आपको आ, आप ई पाठशाला की ऐप को डाउनलोड करो वहां पे सारी एन की बुक्स जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी राइट नेक्स्ट अब इसके अलावा आप लोग आ, बुक्स जो हैं वो मैं आपको रेफर करती हूँ बेसिकली uh, मैं कोई बुक रेफर नहीं कर रही हूँ बट uh, सिर्फ इतना है कि आप लोग इसको रेफर करो जैसे जी सी लियोंग ये थोड़ी एडवांस है बहुत अच्छी बुक है बट आई विल डेफिनेटली रेफर दिस देन वर्ल्ड एटलस हाँ ऑक्सफोर्ड एटलस के बिना हम लोग जोग्राफी नहीं पढ़ सकते जब तक हमें मैप के बारे में नॉलेज नहीं है फिजिकल मैप पॉलिटिकल मैप uh, किसी भी तरह का मैप एग्रीकल्चर है हम लोग बिना मैप के ज्योग्राफी को नहीं पढ़ सकते सो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एट यू मस्ट है तो नो no प्रॉब्लम आप मुझे बताओ मैं आपको दे दूंगी आपको पिक्स वगैरह क्लिक करके दे दूंगी वैसे, होना चाहिए इसको पढ़ना है जरूरी है बट मैं इसका ऑल्टरनेटिव आपको बताती हूँ अगर आपके पास मैप नहीं है तो क्या करना चाहिए मैजिद हुसैन ये पॉपुलर है आर के आर सी चंद्रन देन uh, बहुत ही है जो जिसको आपने रोज पढ़ना है न्यूज पेपर द हिंदू मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था अगर आपको हिंदू टफ लगती है अभी तो आप ट्रिब्यून से शुरू कीजिए बट कॉम्पिटेटिव एग्जामिकेशन के लिए कुछ अच्छी मैगजीन uh, और न्यूज़पेपर का होना बहुत जरूरी है बिकॉज कॉन्सेप्ट डायरेक्टली बुक्स में से नहीं आते हैं. कॉन्सेप्ट आते हैं करंट इवेंट्स के साथ उसको जोड़ के सो न्यूज पेपर द हिंदू न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो अपने पढ़नी हाँ अब मैंने सोचा है कि वीक में एक सेशन ऐसा होगा जिसमें मैं वीक का सारा करंट जो हिंदू में से होगा वो आपको ऑलरेडी दूंगी नाउ देर आर सर्टन वेबलिंग राइट ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगी नेशनल जोग्राफिकल चैनल है वहां से आप ले सकते हो ये थोड़ा सा है एरियाज ऐसे या ऐसे वेबलिंग है जिसको आप रेफर कर सकते हो नाउ न्यूज पेपर ये है हिंदू न्यूज पेपर आई थिंक आप लोगों को पता ही है हिंदू न्यूज पेपर के बारे में आपने uh, सुना है बहुत बार राइट right? तो एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन हम्म ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिनको अभी न्यूज़पेपर के बारे में नहीं पता कि कॉम्पिटेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़पेपर पेपर है वो ये है द हिंदू इसको रेफर करना जरूरी है अगर आप सिविल के लिए अपेयर हो रहे हो तो इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हिंदू आपको लेनी है आपने अच्छा अगर नहीं ले सकते हो आप बिकॉज कोविड के कारण हो सकता है न्यूज़पेपर आप लोग नहीं चाहते हो कि घरों में आओ तो आपके पास मैंने एक लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन में वो आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो आप ई पेपर के भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो नो प्रॉब्लम एट ऑल देन अब आ, किस तरह से हम लोग कवर करते हैं न्यूज को लाइक जैसे हिंदू है हिंदू में Uh, एक छोटी छोटी सी न्यूज होती हैं राइट uh, एक एक तो स्मॉल रेफरेंस टाइप की न्यूज आती है फिर उसको ही लेबोरेट नेक्स्ट पेजेस में किया जाता है फॉर एग्जांपल मैं अभी फोकस ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ तो मैं सिर्फ ज्योग्राफी का फोकस कर रही हूँ देखो साइक्लोन ब्रूइंग इन अरेबियन सी तो ये अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि अरेबियन सी जो है उसमें इट इज मूव टू साइक्लोन इज मूव टू गुजरात एंड महाराष्ट्र जून थ्री तो वहां पे कंडीशन थोड़ी सी वर्स्ट है ही है नेटवर्क कनेक्टिविटी का भी इशू है सो तो इस तरह से हमने जियोग्राफी सिर्फ साइक्लोन के बारे में पता नहीं होना चाहिए कि साइक्लोन क्या क्या है क्या है प्रेजेंटली uh, uh, कहाँ पे ये आए उनके नाम क्या है राइट बहुत सारे नियम दिए जाते हैं इनको कुछ किसी बेसिस के ऊपर और वही जो न्यूज है वो पेज नंबर टेन के ऊपर देखो पूरी लेबोरेट करके दी गई है तो आप इसको रेफर कर सकते हो ठीक है ये साइक्लोन अरेबियन सी तो ये कहाँ पे दी गई है ये इसको पूरा इलेबोरेट किया गया है पेज नंबर के ऊपर मस्ट विजिट आपने ये दो वेबसाइट को जरूर विजिट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम का बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ इसको आपने रेफर करना है ई भुवंस को ई भुवन ये देखो ये आप देख सकते हो जस्ट वेट आई विल शो यू E so, e है क्या ई e भुवन जो है ना वो बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इनिशिएटिव है जो आपको मैप बेस्ड लर्निंग जो है वो करवाते हैं राइट आप एंड ई भुवंस का बेसिक पर्पस ही यही है कि आपने मैप बेस्ड लर्निंग करनी है क्लियर मैप बेस्ड लर्निंग का मतलब आपने जो भी पढ़ना है जोग्राफी को वो मैप की हेल्प से पढ़ना है ये आप देख सकते हो ये ई भुवन की वेबसाइट है ये लिंक दिया हुआ है मैंने उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी इसको आपने फॉलो करना है ये, देखो, भुवन टू दिमेंशनल, थ्री दिमेंशनल। ये सारा इसमें डाटा भी अवेलेबल होते हैं तो आप इसको जरूर रेफर करो देखो बहुत ब्यूटिफुली और बहुत मेहनत के साथ इसका काम किया गया है आप इसको देख सकते हो राइट ये ई भुवंस ही है देन उसके बाद Uh, अगर आपको ये टफ लगता है कि ई भुवंस ठीक है तो आप क्या कर सकते हो इसमें एक और है uh, I'll show you. School उसको बोलते हैं ये देखो ये है स्कूल ई भुवंस आई थिंक आप देख सकते हो नहीं देख पा रहे हो तो आप ऐसे करो आप एक बार uh, मैं लिंक दूंगी उसको उससे देख लेना सो so, ये है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी स्कूल भुवन एनसीआर तो इसमें ये है क्या बेसिकली ये पोर्टल है क्या करता है ये मैप बेस्ड लर्निंग आपको हेल्प करेगा कंट्री के रिसोर्सेज के बारे में इन्वायरमेंट के बारे में सस्टेनेबल डेवेलपमेंट के बारे में बताएगा आपको जस्ट ऑन अ क्लिक तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो बहुत ज्यादा ये देखो मैप्स दिए हुए हैं पोलिटिकल मैप है एग्रीकल्चर है बहुत सारे तरह के मैप्स है यहाँ पे ये लेवल्स हैं आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो तो ये आपको ज्योग्राफी पढ़ने में हेल्प करेगा क्लियर सो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो एक हौसला हो गया होगा एक मोटिवेशन मिल गई होगी कि इतना भी टफ नहीं है ज्योग्राफी को पढ़ना बट हाँ हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी सो स्टे ट्यून्ड लाइक सब्सक्राइब कर दो चैनल को और जितनी भी वीडियोस आती है नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन रखना जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको पता लग जाएगा